हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल वन्ना फ्रॉम एमटीबी किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ दही भल्ले की रेसिपी। दही भल्ले आज हम बिल्कुल इंस्टेंट तरह से बनाएंगे, जिसके लिए आपको कोई दाल नहीं भिगोना, 4-5 घंटे वेट नहीं करना। 10 मिनट में आप इंस्टेंट दही भल्ले बिल्कुल मार्केट जैसे अपने घर में बना सकते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है ये, आशा करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। जैसे कि आप पिक में देख रहे हैं, बिल्कुल माउथ वाटरिंग दही भल्ले हमारे दिख रहे हैं, ऐसे ही आप अपने घर पे भी रेडी कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दही भल्ले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप उड़द की दाल ली है, जिसे उड़द धुली हुई दाल कहते हैं। इसको मैंने पैन में डाल दिया है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक ड्राई रोस्ट करेंगे। हमने इसका कलर नहीं चेंज करना है, बट इसको थोड़ा सा क्रिस्पी बनाना है हमने, ताकि इसका थोड़ा जो रॉ फ्लेवर है वो निकल जाए। ये देखिए, 2 से 3 मिनट तक हम इसे सिर्फ रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये देखिए, हल्का सा आपको इसका कलर चेंज होता हुआ दिख रहा होगा। अब मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इसे बिल्कुल ठंडा करना है। अगर हम इसे पैन में छोड़ देंगे तो पैन के हीट से इसका कलर चेंज हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए इस रेसिपी के लिए। तो मैंने इसको प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे ब्लेंड करेंगे। दाल हमारी बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे, मिक्सिंग जार में डाल लेते हैं इसे। मैंने इसे मिक्सिंग जार में डाल दिया है। अब हम इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, दाल का मैंने बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया है। पाउडर में बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, दानेदार टेक्सचर नहीं होना चाहिए, एकदम पाउडर जैसा होना चाहिए। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, बिल्कुल फाइन पाउडर बना है हमारा। अगर आपका पाउडर जो है बिल्कुल फाइन ना बने, तो आप इसको एक बार छन्नी में से छान लीजिएगा, फिर अगर आपके दाल के पीसेस बचते हैं उसको फिर से ब्लेंड कर लीजिएगा और एक फाइन पाउडर रेडी कर लीजिएगा। अब हम इस पाउडर से बैटर बनाएंगे। पाउडर को बैटर बनाने से पहले बिल्कुल अच्छे से ठंडा होना चाहिए, तभी इसका बैटर परफेक्ट बनेगा, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। अब मैंने इसमें ऐड करा है थोड़ा सा नमक। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे इसमें, और थोड़ा सा मैं इसमें अदरक डाल रही हूँ कस करके। ये ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी दही भल्ले बना सकते हैं, प्लेन दही भल्ले बना सकते हैं, बट इससे फ्लेवर बढ़िया आता है भल्लों का, इसलिए मैं इसको ऐड कर रही हूँ इसमें। थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है, और अब हम इसमें डालेंगे जीरे का पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसका बैटर बनाएंगे पानी डालते हुए। धीरे धीरे हम इसमें पानी डालेंगे और इसका स्मूथ सा हमने बैटर बनाना है, जैसे भल्लों का बैटर बनाते हैं हम। ये देखिए, अब हम इसको दाल को फेंटेंगे। भल्ले के लिए दाल को हाथ से फेंटना अच्छा रहता है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसको हमें लगातार 5 से 10 मिनट तक फेंटना पड़ेगा, तभी आपके भल्ले बिल्कुल मार्केट जैसे बनेंगे। ये देखिए, इस डायरेक्शन में हम इसे फेंटेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। जितनी अच्छे से आप दाल फेंटेंगे, आपके भल्ले उतने ही बढ़िया बनेंगे। तो आप इसे बेशक 15 से 20 मिनट तक बैठ के फेंटते रहिए, या फिर 5 से 10 मिनट में भी ओके हो जाती है। अब मैं इसमें 1 चम्मच चावल का आटा ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी बना सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया, हम इंस्टेंट बना रहे हैं दही भल्ले, तो मैंने इसमें 1 इंच बेकिंग सोडा का डाला है, ताकि हमारी दाल जो है वो अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए भल्ले के लिए। तो 1 से 2 मिनट तक मैं इसे और फेंट रही हूँ। ये देखिए, फेंटते फेंटते दाल का कलर आप देख सकते हैं, लाइट हो गया काफ़ी। तो आप भी दाल को अच्छे से फेंटें, तभी आपके भल्ले जो हैं वो बहुत बढ़िया बनेंगे। ये देखिए, दाल एकदम फ्लफ़ी हो गई है और हल्की हो गई है वेट में।
ये देखिए दाल को मैंने फेंट लिया है 10 मिनट तक लगातार। अब हम भल्ले बनाने स्टार्ट करते हैं। ऑयल में थोड़ा सा बैटर डाल के देख लेंगे। ये देखिए बैटर जो है हमारा नीचे ही बैठा हुआ है, ऊपर नहीं आया। बस इतना ही गर्म ऑयल हमें चाहिए भल्ले बनाने के लिए, तो इसको हम निकाल लेते हैं। अब हम इसमें भल्ले डाल लेते हैं। भल्लों का साइज़ आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग रख सकते हैं, छोटे या बड़े, जैसे आपको बनाने हो। तो मैं थोड़े छोटे बना रही हूँ क्योंकि ये बाद में फूल के भी बड़े हो जाते हैं, और जब हम इसको पानी में सोक करके रखेंगे तो भी इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है। भल्लों को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। इसको ज़्यादा तेज आंच पे फ्राई ना कीजिएगा, नहीं तो दाल जो है वो अंदर से कच्ची रह जाती है। तो इसको हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए भल्ले हमारे थोड़े फूल गए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, और बिल्कुल राउंड शेप भी हो गई है भल्लों की। ये देखिए एकदम परफेक्ट शेप आ रही है हमारे भल्लों की, बहुत ही सुंदर दिख रही है ये। 1 से 2 मिनट तक मैं इसे और फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छा कलर आ गया है भल्लों पे, गोल्डन ब्राउन। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। भल्ले हमारे फ्राई होके रेडी हैं। अब मैंने एक बाउल में पानी लिया है जिसमें हम भल्लों को सोक करके रखेंगे। इसमें मैंने डाली है 1/2 चम्मच हींग। हींग से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इस स्टेप को आप भल्ले फ्राई करने से पहले करके रख लीजिएगा ताकि हींग जो है वो अच्छे से घुल जाए पानी के साथ। अब हम एक मसाला रेडी रखेंगे जिससे कि भल्लों में बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आए। उसके लिए मैंने भुना हुआ जीरा लिया है, काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे इसमें, काला नमक ऐड कर देंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है मैंने इसमें, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे। इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप ये मसाला ज़रूर ट्राई करें, इसी से आपके भल्लों का टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसा आएगा। ये मसाला भी हमारा रेडी हो गया है। अब हम भल्लों के लिए दही रेडी कर लेते हैं जिसको मैंने अच्छे से बीट करके रखा है और बिल्कुल स्मूथ कर लिया दही को। भल्लों के लिए हमारी दही जो है बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं उसको अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि मैं इसमें मीठी चटनी का यूज़ करने वाली हूँ। तो भल्ले हमारे फ्राई हो चुके हैं, आप देख रहे हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट भल्ले हमारे बने हैं। अब जितने भल्ले मुझे सर्व करने हैं मैं उतने ही भल्लों को पानी में सोक करके रखूँगी। ये देखिए हींग भी हमारी पानी में अच्छे से घुल गई है और बढ़िया फ्लेवर भी आ गया इसमें हींग का। तो जितने भल्ले मुझे सर्व करने हैं उतने ही मैं इसमें सोक करके रख दूँगी। 10 मिनट तक हम भल्लों को सोक करके रखेंगे पानी में, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो आप भी इस तरह से भल्ले बना के फ्रिज में रख सकते हैं, और जितने भल्ले आपको सर्व करने हों आप 10 मिनट पहले उसे निकाल के और पानी में सोक करके सर्व कीजिएगा। ये देखिए भल्ले हमारे कितने जूसी हो गए हैं एकदम, और फूल भी गए हैं ये। अब हम भल्लों को सर्व कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से इसको स्क्वीज़ कर लेंगे और इसका पानी निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी भल्ले हो चुके हैं हमारे, आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं। बिल्कुल हल्के हाथ से इसको प्रेस कीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। ये मैंने भल्ले सारे प्लेट में निकाल लिए हैं। अब जो हमने दही रेडी करके रखी थी भल्लों के लिए वो हम इस पर डाल देते हैं। अब मैंने यहाँ पे ली है इमली की चटनी। इमली और गुड़ मिला के चटनी बनाई है मैंने, तो इसको भी डाल देते हैं इसमें। ये है हमारी कोरिएंडर की चटनी, ये भी डाल देते हैं भल्लों पे। अब जो हमने मसाला रेडी करके रखा था वो हम इस पे डाल देंगे, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये मेरे पास थोड़ा सा अदरक है कटा हुआ, इसे थोड़ा गार्निश कर देते हैं हम भल्लों को। ये हमारे भल्ले रेडी हैं। ये देखिए एकदम
जूसी और बिल्कुल मार्केट जैसे इंस्टेंट दही भल्ले हमारे रेडी हैं और आप इसे आसानी से घर पे बना सकते हैं। ये मैंने अलग से दो भल्ले सर्व करे हैं जिसको मैं अभी खाने वाली हूँ, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें अगर आप भल्ले खाना पसंद करते हैं तो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा MTV किचन को इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MTV किचन।